नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। एज यूजुअल आज भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करूंगी। तो ये आइसक्रीम स्टिक से मैंने हेक्सागोनल शेप बना लिया है। अब मैंने एक कपड़े ले लिया है, उसे इस पर स्टिक कर ले रही हूँ। हॉट ग्लू लगा लेना है, उसे चारों तरफ इस तरह से लगा लेना है। तो पीछे की तरफ भी अच्छे से मुझे मैंने हॉट ग्लू लगा कर स्टिक कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं इस तरह चारों तरफ से कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह कट कर लेना है। ये मेरी क्राफ्ट की बेस रेडी हो गई है। मैंने उसमें एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं बॉडी पे कलर कर लूँगी। तो मैंने बॉडी कलर का यूज़ किया है, टिंट फ्लेश कलर का। तो वो मैं बॉडी में लगा लूँगी। सामने वैलेंटाइंस डे है, सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये उसी ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल क्राफ्ट है। मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो थोड़ी दिक्कत ही आएंगी, कोई बात नहीं। हुप के बिना भी इसे मैंने बनाने की कोशिश की है। देखें ये कैसे बनती है। ये मैंने पहले बॉडी में कलर कर लिया है। तो बॉडी की कलर कंप्लीट हो गई है, अच्छे से कलर कर लेना है। तो अब मैं येलो के साथ थोड़ा व्हाइट मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि येलो थोड़ा लाइट कलर की हो जाए। तो वो मैं ड्रेस में लगाऊंगी। अब ड्रेस के नीचे और मैंने थोड़े येलो का डिफरेंट शेड्स दिया है। तो मैंने डीप येलो कलर, कहीं कहीं मैं थोड़ा सा वाइट भी मिक्स कर लिए हूँ। तो नीचे इस तरह से कलर कर लेना है। तो ये मैंने ड्रेस को कलर कर लिया है। अब मैं हेयर के लिए ब्लैक और थोड़ा ब्राउन को मिक्स कर लिए हूँ। तो पहले सर पे इस तरह का कलर कर ले रही हूँ। बस अब कलर ड्राई हो जाने के बाद अब ले लेनी है थ्रेड। तो मैंने थ्रेड ले ली है। अब जितनी बालों को पहले मैं बनाऊंगी, तो मैंने थ्रेड को अंदर से एंड डालना है। अब जितनी लंबी हमें बाल को रखना है, उसे इस तरह रख लेना है। अब एक छोर से सुई को निकाल के बस दूसरे थ्रेड की एंड के उधर जहाँ मैंने डाला वहाँ इस सुई को डाल देना है। तो ये थ्रेड अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह मैं पूरे को कर लूँगी। जितनी लेंथ बालों की रखनी है, उतनी लंबाई ये थ्रेड को रखना है। बस थ्रेड को फर्स्ट एंड से निकालना है, दूसरी एंड में जहाँ मैंने ये सुई को डाला था वहाँ डाल के इस तरह से एक नॉट की तरह बना लेना है। तो थ्रेड फिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह मैं पूरे बाल को बना लूँगी। फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं ये बाल कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं नीचे इसे एक समान से कट कर लूँगी। और जो थ्रेड डबल रह गए हैं तो उसे भी मैं एक एक करके कट कर लूँगी। इस तरह कट कर लेना है। इसकी हेयर स्टाइल मैं लास्ट में करूँगी। तो पहले इसे इस तरह से बालों को एक साथ एक बांध देते हैं। तो पहले बना लेते हैं कुछ फ्लावर्स। तो मैंने ये पिंक कलर की थ्रेड ले ली है, तो उसे इस तरह के सुई में घुमाकर इस तरह डालना है। तो छोटी छोटी रोज रेडी हो जाएगी। तो पहले मैं बुके बना लूँगी। तो इस तरह से बना लेना है। इसमें हमेशा से ही मेरी कोशिश ये रहती है कि घर के वेस्ट मटेरियल से ही, घर में जो सामान रहती है सभी के घरों में, उसी से मैं क्राफ्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सभी बना सकें। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इस तरह मैंने डिफरेंट कलर के रोजेज़ बना लिए हैं। तो इस तरह अब मैं बनाऊंगी कुछ लीव्स। तो मैंने ग्रीन कलर की थ्रेड ले ली है और इसे डालकर बस चेन स्टिच दे देना है इस तरह से। तो मैं कुछ लीव्स बना लूँगी। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी क्राफ्ट कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट तो करते ही हैं और मुझे एनर्जाइज भी कर देते हैं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो सोच सकूं, बना सकूं। ड्रेस के लिए मैंने ले लिया है लाइट पिंक कलर की थ्रेड। इसमें भी मैंने बस वही जैसे मैंने गुलाब पर की थी ना स्टिच, बस उसे बस यहाँ पे मुझे थ्रेड को सुई पे एक या दो बार घुमा लेना है। तो इस तरह से मुझे ड्रेस पे बना लेना है।
ड्रेस के ऊपर मैंने लिया है पिंक कलर से कंप्लीट की हूँ ऊपर में। अब नीचे में दूसरे कलर लगा लूंगी, तो जो भी कलर ले बस कंट्रास्ट कलर में ले। तो इस तरह से ड्रेस के नीचे भी मैं छोटे छोटे इस तरह से ऊपर की तरफ मैं एक और लाइन इस तरह से करूंगी। और ड्रेस के नीचे भी मैं पिंक कलर से इस तरह के बूटे बना लूंगी। तो अब करते हैं हेयर स्टाइल। तो मैंने एक शार्प चीज कैंची ले ली है, तो मुझे इस थ्रेड को इस तरह से खींच लेना है तो वो कर्ल हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने बालों को कर लिया है, तो अब इसे इकट्ठे कर लेते हैं बालों को। तो पहले बालों को इस तरह से धागे से फिक्स कर लेना है। अब बालों में भी मैं कुछ फ्लावर्स बना लूंगी। तो मैं ले ली हूँ व्हाइट कलर की थ्रेड। इस तरह से बालों में भी मैं व्हाइट रोजेस बना लूंगी छोटी छोटी। मैंने ले लिया है एक राउंड स्टिक, ये एक कुल्फी की स्टिक ही है, और मेरे पास एक गोल्डन कलर की नेट थी तो मैंने उसे ले लिया है। उसे मैंने स्टिक पे लगा लिया है, अब इसे फिक्स कर दिया है। तो ये मेरी गोल्डन कलर की नेट पर्दे का काम करेगी। तब यहाँ मैं बना लूंगी बड़ी सी रोज वाली कर्टन टाई। तो इस तरह से बना लूंगी, नेट से बीच बीच में फंस जा रही है, थोड़ी दिक्कतें आ रही है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब बैक में मैं ग्लू गन से हॉट ग्लू लगा लूंगी और इसे इस तरह से फिक्स कर दूंगी। आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो ये मेरी क्राफ्ट तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।